अच्छा बच्चों, अब हम कर रहे हैं 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर टू। देखिए इसमें आपके पास एंट्रीज गिवन है, आपको ट्रांजेक्शन बनानी है। ट्रांजेक्शन मतलब क्वेश्चन बनाने। अच्छा पहली एंट्री है जनवरी 1, 2011 कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। इसका सवाल क्या होगा? ऐसे लिखेंगे जनवरी 1, इसका सवाल होता है हमारे पास जनवरी 1, डेट क्या थी? 2011, 2011 और इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस बाय अंबर ट्रेडर्स। सही, ₹660,000 लिखा, 60,000 हो गया पहला सवाल। दूसरी ट्रांजेक्शन कौन सी डेट? जनवरी 4, 2011। इसका क्या सवाल होगा? प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। उसका क्वेश्चन होगा पेड शॉप रेंट इन एडवांस ₹80,000, पेड शॉप रेंट इन एडवांस ₹80,000। तीसरे पे आते हैं जनवरी 5 बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा इस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री दो तरह की हो सकती है, ओपन अ बैंक अकाउंट भी हो सकती है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक भी हो सकती है, लेकिन दोनों में जो कॉमन ज्यादा सुटेबल है वो ये होगी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कि ओपन अ बैंक अकाउंट से अकाउंट खुला, लेकिन अकाउंट खुलेगा भी तो डिपॉजिट तो कैश होगा इनटू बैंक, तो एंट्री बनेगी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹10,000। ठीक है जी, एंट्री बनाई सारी, सर मैं वो कर लूँ, स्पेसिंग खत्म करूँ उसकी। नेक्स्ट एंट्री जनवरी 5 के बाद, डेट क्या है? जनवरी 6 परचेज डेबिट कैश और अकाउंट पेबल क्रेडिट। जनवरी 6 परचेज डेबिट कैश और अकाउंट पेबल, तो परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज कितनी कैश मिली? 5,000 एंड ऑन अकाउंट रुपीज 20,000। जनवरी 6 हो गई, 6 के बाद है 10, जनवरी 10, 2011। अच्छा भाई कैश डेबिट बैंक डेबिट और सेल्स के लिए इसका सवाल क्या होगा? सोल्ड मर्चेंडाइज और रुपीज कितने की बेची मर्चेंडाइज? 20,000 ₹20,000। ठीक है एंड डिपॉजिटेड नहीं ऑफ विच होगा ना, किसान होगा, सोल्ड मर्चेंडाइज 20,000 ऑफ विच ₹10,000 डिपॉजिटेड इन टू बैंक। जनवरी 10 हो गई, अगेट पे आते हैं जो 10 के बाद 12 है, जनवरी 12, 2011 ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी? विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। ठीक है ये आपका सवाल हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।